सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, प्रकाश हो रहा। मिटाना द्वैत भाव तो, मिटाना द्वैत भाव तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। बचना है गुरु के श्रवण को, कर ज्ञानी हुए बड़े, ज्ञानी हुए बड़े। बचनों को गुरु के श्रवण से ज्ञानी हुए बड़े, ज्ञानी हुए बड़े। चल ना सके गुरु बचन पे, चल ना सके गुरु बचन पे, नादान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। करके दया गुरुदेव ने, करके दया गुरुदेव ने, दूजा जन्म दिया, दूजा जन्म दिया। बंदा न करे प्रीति तो, बंदा न करे प्रीति तो भगवान क्या करे, गुरुदेव को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। सब जीव जंतुओं में, सब जीव जंतुओं में जिसे नहीं दया, जिसे नहीं दया। आत्मानंद तज के मूरख, आत्मानंद तज के मूरख, व्रत दान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये ब्रह्मानंद जी का भजन है और थोड़ा संशोधन करके गाया है। और जिसको अभी माइक चालू मत करो, जिसको बोध नहीं है, बोध ही नहीं हुआ है, अब गुरु का ज्ञान का उल्लंघन कर रहा है, गुरु के ज्ञान की निंदा कर रहा है, तो गुरु ज्ञान क्या कर सकता है। अपने स्वरूप को जिसने नहीं जाना, वो कितनी भी किताबें पढ़े, पुराण पढ़े, उससे कुछ होने वाला नहीं है। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें ब्रह्म ज्योति ना हो, परमात्मा ना हो, जिसका द्वैत भाव नहीं मिटा है, वो अपने को और परमात्मा को अलग समझ रहा है, गुरु को और अपने को अलग समझ रहा है। तो फिर गुरु महाराज का ज्ञान उसके लिए क्या काम कर सकता है। बचना, गुरु के जो श्रवण है उनसे वो बचने की कोशिश कर रहा है, गुरु को सुनना नहीं चाह रहा है, गुरु को अंदर तक प्रवेश नहीं कराना चाह रहा है, गुरु के वचनों पर वो चल नहीं रहा है। तो ऐसे नादान के लिए गुरु महाराज क्या कर सकते हैं। भगवान सदगुरु ने जब दीक्षा दी थी उसको, तो उसको नया जन्म दिया था, दूसरा जन्म दिया था, उसके समस्त जन्म जन्मांतरों के पाप उसी क्षण नष्ट कर दिए थे। अब वो दीक्षा लेकर भी पाप कर रहा हो,
दीक्षा लेकर भी कपट कर रहा हो, दीक्षा लेकर भी गुरु महाराज से चोरी कर रहा हो, दीक्षा लेकर भी गुरु महाराज से झूठ बोल रहा हो, तो वो गुरु महाराज फिर क्या कर सकते हैं? गुरु महाराज से प्रेम नहीं करता हो तो गुरु महाराज कितना भी ज्ञान देंगे, गुरु महाराज का ज्ञान तुम्हारे प्रेम के पात्र में ही ठहर सकता है। तुम यदि गुरु से प्रेम नहीं करोगे तो ज्ञान किसी भी का ज्ञान ढुल जाएगा। जैसे छेद वाले बर्तन में आप कितना भी कोई अच्छी से अच्छी चीज डालो तो वो नीचे चली जाती है, दूध है, घी है, शहद है, वो छेद वाले बर्तन से नीचे चला जाता है। ऐसे जब तक तुम प्रेम नहीं रखोगे गुरु महाराज से, तुम्हारी सच्ची प्रीति ना होगी, तो गुरु का ज्ञान तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर पाएगा। सब जीव जंतुओं में जिसे नहीं दया, अरे कौन सी जगह है, कौन सा जीव है जिसमें भगवान का निवास नहीं है? अंडा खा रहे, मुर्गी खा रहे, बकरा खा रहे, कैसे काम चलेगा? भगवान को तो तुम काट के खा रहे हो, कैसे काम चलेगा? तो अब ब्रह्मानंद को तो तुमने छोड़ दिया है, असली जो तुम्हारी बीमारी को ठीक करने वाली दवा थी उसको तो तुमने छोड़ दी, और ऊपर ऊपर आइंटमेंट लगा रहे हो, यानी दान कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, भूखो मर रहे हो, चिल्ला चोट कर रहे हो, उससे तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये ब्रह्मानंद जी का भजन है, ये वेदांतानंद को बहुत पसंद था, अगर ने इसको ढूंढ ढूंढा के गाया सदगुरु भगवान की।